बट मोस्टली तुम लोग देखोगे क्रेजी एक्स वाई जेड और मिस्टर इंडियन हैकर, इसके वीडियोस पे सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन कमेंट्स यही मिलेंगे। ओके सो ऑल राइट गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे ठीक और मजे कर रहे हो। भाई आज मैं ये पूरा शूट कर रहा हूँ मेरे गिम्बल से, DJI के नए वाले, और माइक भी DJI का ही पहन रखा है मैंने। आप लोग बताओ आपको कैसी क्वालिटी लग रही है। खैर इससे देखो मैं पूरा लेफ्ट राइट वगैरह सब कर पाएगा, बट मैं फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने सेटिंग्स कर रखी है। ऊपर नीचे सब हो जाएगा भाई बिना मोबाइल को टच किए, समझ रहे हो? ये देखो अब हो गया मैं सेंटर में, फिर से तगड़ी सेटिंग है भाई, मतलब इनकी वर्थ तो है गिम्बल। बट ये मेरे को ये व्लॉगिंग के लिए, तो मैंने बट ऑब्वियसली नहीं लिया व्लॉगिंग के लिए, कुछ इतने काम का नहीं है ये भाई। मैंने ये लिया है मेरे क्लाइंट्स वगैरह के लिए, बट ऑब्वियसली उनसे पेमेंट लेगा ही मैं इसका भाई। ये सब रेंट पे मिलते हैं 500-1000 रुपये दिन के, अच्छे खासे पैसे भी आ जाते इसके कभी कभी। तो बस मेरे को रेंट पे तो देने नहीं है, कोई गलती से भी आना मत भाई, बट मेरे को सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को सर्व करना है। चलो भाई जाते हैं अभी दूसरे दोस्तों को मिलते हैं, देखते हैं आज का क्या सीन बनता है। भाई ऐसे देखने जाओ ना तो सिर्फ फ़ोन पकड़ के भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ, बट ये गिम्बल के साथ है ना थोड़ा हैवी हो जाता है ये। हाँ बट इसका फ़ायदा है जैसे मैं यहाँ वहाँ देखेगा ना, जैसे ऊपर देखा तो फिर ये भी ऊपर आएगा, नीचे देखेगा तो ये भी नीचे झुकेगा साथ में, ये एक अच्छा फ़ायदा है इसका। जैसे देखो मैं इसको कहीं भी लेके जाऊँ भाई, मेरे को आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाने देगा कभी। भाई डर गया मैं अभी, उधर पे लोग फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे लोग मैदान में, और बॉल का ज़ोर से आवाज़ आया बाजू में दीवार के, वहाँ पे कहीं तो लगा होगा, मेरे को लगा बॉल आया बाहर। भाई नया नया गिम्बल मेरा महंगा पड़ जाता मेरे को। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आज बाहर लाया हूँ कि कैसे शॉट्स आते हैं क्या होता है, बाकी तो इसको बाहर नहीं लाना फिर कभी, सिर्फ क्लाइंट के लिए ही। और कोई मेरा अच्छा खासा शूट होगा अगर कहीं पे कोई तगड़ी जगह पे जाते रह गए तो, बाकी डेली व्लॉगिंग के लिए ये बाहर नहीं निकलेगा भाई। बट यार बहुत अच्छा लग रहा है ये यूज़ करके भाई, ये वाला बोर्ड देखो सेम सॉर्टेड भाई, पूरा घुमा दिया कहते ही पूरा इसने मेरे को। ये देखो भाई, तो कहावत थी बॉयज नेवर ग्रो बट देयर टॉयज डू, भाई वैसे ही हम बड़े नहीं होते जल्दी कभी, बट हमारे टॉयज अच्छे होते जाते हैं, जैसे गिम्बल हो गया, गैजेट्स हो गए, अच्छे अच्छे माइक हो गया, ये भाई मज़ा आता है, वही खुशी से अभी भी यूज़ करता हूँ भाई मैं तो, सब बहुत अच्छा लगता है ये सब यूज़ करने को है। अच्छी बात है कि मैं अब अर्न कर रहा हूँ इसके थ्रू, इसके लिए फ़ोन आ गया, देखो ये मुक्शीद आ गया रहेगा नीचे बंदर। चलो मैं जाता हूँ भाई उसके पास, उसके घर के इधर ही है, मैं ज़्यादा दूर है नहीं, मैं इधर एक यू टर्न मारा नहीं कि सीधा उसका बिल्डिंग भाई। बाकी तगड़ा मज़ा आ रहा है भाई गिम्बल में, इससे सिनेमेटिक शॉट्स जो आएंगे ना भाई कसम से मज़ा है। तुम लोग की भाई सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी, जो लोग ने नहीं किया है, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सिनेमेटिक शॉट्स के लिए। बस अब धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी अर्निंग और बढ़ती जाए, तो मैं धीरे धीरे ड्रोन भी खरीदूँ, एक अच्छा DSLR कैमरा की ज़रूरत है भाई। माय आईफोन इज़ वर्थ, सबको टक्कर है अपना आईफोन 14 Pro Max भाई, पैसा वसूल है भाई इसका भी भाई। जो लोग को नहीं पता मैं बता दूँ, 1200-1300 रुपये दिन का रेंट होता है अगर आप किसी को शूट करने को देते हो तो भाई। भाई मेरे भाई ने बंदर ने अपने मुक्शीद भाई ने मेरे एक बहुत तगड़ी चीज़ नोटिस की है भाई, बता ज़रा क्या है अपना ये क्रेजी एक्स वाई जेड के। इस पर एक बहुत कॉमन कमेंट रहता है कि कौन कौन मानता है माँ दुनिया के सबसे बड़ा योद्धा है। अभी पता नहीं ये क्यों करते हैं लोग कमेंट, बट मोस्टली तुम लोग देखोगे क्रेजी एक्स वाई जेड और मिस्टर इंडियन हैकर, इसके वीडियोस पे सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन कमेंट्स यही मिलेंगे। और एक तूने लैम्बोर्गिनी का बताया था, वो बोलना भाई वो सबसे तगड़ा है भाई, भाई वो लैम्बोर्गिनी का स्पेलिंग LEMBORGINI, ये लैम्बोर्गिनी का, हर एक किसी ने वही कमेंट किया है सेम, हर किसी ने भाई गलत स्पेलिंग लिखा है, कम से कम कितने 100-200 कमेंट रह गए गलत स्पेलिंग के, 100 नहीं हजारों कमेंट भाई। मतलब क्या ये लोग स्पैम वगैरह करवाते क्या, ऐसा कुछ करते क्या ये लोग? मेरे को जल्दी बिलीव नहीं होता क्योंकि यूट्यूब अगर एक बार डिटेक्ट कर लेगा कि ये लोग स्पैम कर रहे पेड लाइक पेड कमेंट्स ले रहे तो यूट्यूब शायद लोग का चैनल डेड कर सकता है, तो चैनल ही बंद करवा देगा, अपने आप रीच कम करा देगा। मेरे को पता नहीं भाई क्या सीन है, पर भाई नोटिस किया है अपने भाई ने, तो आप लोग बताओ भाई कमेंट्स में क्या होता है, ये क्या ऐसा कुछ होता है? बट मैंने ये भी देखा था भाई बादशाह का जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था ना पेड लाइक्स का और सब्सक्राइबर्स का, तो बोला भाई वो पेड था बट वो प्रॉपर एक एडवर्टाइजिंग फर्म को देके पैसे देके एडवर्टाइज करवाया था, हम लोग ने पैसे देके खरीदे नहीं थे, प्रॉपर उसका GST बिल है हमारे पास,
बोला क्योंकि इतना बड़ा हम लोग ने इसमें इतना मेहनत किया था ना, तो हम लोग को चाहिए था कि और स्पेंड हो जाए ऐसा कुछ तो बोला, बट इसकी रीच बढ़े वीडियो की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, तो उसके प्रॉपर वो लोग GST वगैरह बिल थे, कुछ फेक नहीं था। नहीं ऐसा नहीं लगता है लोगों का, बट इन लोगों का कुछ अजीब है भाई, और हर एक किसी ने ये कमेंट किया ज़्यादातर, कैसे करते हैं पता नहीं, समझ नहीं आता है। पता नहीं भाई क्या सीन है, अपन भाई गरीब लोग का चैनल, एक कमेंट नहीं आता भाई जिंदगी में, अपने भाई अपने सबसे जो करीबी है भाई लोग अपने वो लोग ही करते हैं, क्या पता कब अपने ऐसे दिन आएंगे, आएंगे भी कि नहीं, चलो देखते क्या होता है। नहीं स्पैम कमेंट नहीं देगा चलेगा, स्पैम नहीं करना भाई को, पहले ही बता रहा हूँ, और गाली गलौज गलती से नहीं। भाई आप लोग को अगर याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मेरा गला दुख रहा है, दबाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई ऑनेस्टली कुछ तो भी ना इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, ठीक हो गया दवाई से, फिर थोड़े दिन बाद हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर अभी 2-3 दिन से कैसा हो रहा है, दिन में नहीं दुख रहा है, रात में थोड़ा दुख रहा है, कल तो पूरा दुख रहा था, उसकी वजह से ईयर्स पे भी पेन होता है, और आज सिर्फ लेफ्ट साइड पे दुख रहा है, इतने दिनों तक राइट साइड पे दुख रहा था और कल दोनों साइड दुखा, फिर अभी लेफ्ट, ये ऐसा खेल रहे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दिमाग की वाट लग गई है भाई, क्या करूँ मैं, अभी सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास आके आऊँ, बट रात के 10 से 10 कुछ बच चुके हैं, 10 से 10 है कुछ भी, तो भाई चलो मैं देखता हूँ अगर क्लिनिक ओपन होगा तो मैं जाके आता हूँ डॉक्टर के पास एक बार भाई, अच्छा होगा थोड़ा, क्योंकि बहुत अभी वो इशू हो रहा है भाई, मेरे को एडिटिंग वगैरह का काम करने जागना भी पड़ता है भाई। चलो मैं फटाफट पहुँचता हूँ क्लिनिक पे, देखते हैं डॉक्टर है कि नहीं, आई होप हो यार अच्छा होगा थोड़ा, बट मैं तुम लोग को गारंटी के साथ बोलता हूँ डॉक्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे नसीब बहुत पांडू है। चलो पहुँच के देखते हैं भाई, डॉक्टर है नसीब अच्छा आज, लास्ट नंबर है सबसे पहले, उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम इसे जल्दी आना थोड़ा, नहीं तो फिर अंदर लेते नहीं इतना लेट लेट तक। चलो भाई मैं अभी बैठता हूँ, नंबर लगा दो, 8-10 पेशेंट है, आराम से आधा पौना घंटे के ऊपर जाएगा। भाई आ गया मैं घर पे, अभी गला और दुखने लग गया थोड़ा भाई, ये देखो दवाइयाँ दे दी सारी, इतनी ये जो है इतनी सारी दवाइयाँ, ये इतनी सारी भाई, अभी एक बड़े बड़े पैकेट। तो चलिए भाई खाना भी लग गया मेरा, फटाफट खाना खा लेता हूँ, गोली खा के फिर सो जाता हूँ भाई, गला दुख रहा है अभी और। तो चलेगा इसे यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं आज का, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।